मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गई है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हिरन अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उठ जाती है और उसकी आईज नॉर्मल बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फर्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सिक विवो था। कुछ अरसे पहले ही उसकी डिवोर्स हो चुकी थी जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। उसकी बेटी अपनी बर्थडे पर जिद करती है कि उसे अपनी मदर से मिलवाने बुजुर्ग लेकर जाया जाए और वो अपनी बेटी की बात पर एग्री हो जाता है और दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर बुजुर्ग के लिए रवाना हो जाते हैं। इस ट्रेन में और भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंग हुआ, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सेंग गियोंग, उसके अलावा एक स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है एक लड़की वहां पर आती है जिसके पांव पर किसी के काटने के निशान होते हैं और देखते ही देखे मौके पर वो लड़की जुम्बी में चेंज हो जाती है और जुम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन के एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी जुम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही इसी तरह ये वायरस उस ट्रेन में तेजी से फैलने लगता है जिसकी वजह से बहुत से लोग उसकी लपेट में आ जाते हैं और ट्रेन में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स ट्रेन के उस बॉक्स को जहाँ पर इन्फेक्शन फैला था उसको तोड़कर किसी दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं। अब वो जिस बॉक्स में जाते हैं वहाँ पर ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन नहीं आया होता। ट्रेन का कंडक्टर उनको बुजुर्ग की तरफ ले जाने का सोचता है क्योंकि उसको रिपोर्ट मिलती है कि चंद बचे कुछ शहरों में बुजुर्ग भी एक शहर है जहाँ पे अभी तक ये इन्फेक्शन एंटर नहीं हो सका। सिक विवो, सेंग हुआ और यंग गूगल ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर्स भी मिलते हैं और ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। इनकी इस कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ पर सेफ बैठे थे और जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह डब्बे तक पहुँच ही जाते हैं तो सेल्फिश सीओ उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं जिसके गर्ज वो लोगों को भड़काता है और सब पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन लोगों को अंदर आने नहीं देते। फाइट के दौरान सेंग हुआ और किमजिन खुद को इन ज़ॉम्बीज़ के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि इस दौरान इन चारों को ये मौका मिल सके कि वो दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाएं। अंदर जाने के बाद सीईओ जब इन चारों लोगों को चैम्बर में आइसोलेट कर देता है ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सकें। दूसरी तरफ इन पैसेंजर में एक लड़की जो कि काफी अपसेट थी क्योंकि उसकी सिस्टर इंगिल अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ ये इन्फेक्टेड लोग थे। बस ऐसा होते ही वहाँ तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ॉम्बीज उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए काफी लोगों को मार डालते हैं और बचे सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया गया था और वो थे सिक विवो, स्वैन, उनके अलावा सीईओ और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका होता है जिसकी वजह ये थी कि इस स्टेशन की पटरियां बंद थी और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो सीईओ एक बार फिर से खुद गर्जी का मुजाहिरा करता है। वो अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बी की तरफ धक्का देकर बचाता है जिसकी वजह से उस अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वो सेल्फिश युनसंग बच जाता है। सेल्फिश युनसंग वैसे तो बच गया था, अब उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। डेफिनेटली अब वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब वो बचे हुए इन लोगों पर अटैक कर देता है। सिक विवो योनसक ज़ॉम्बी लड़ता है लेकिन उस फाइट में योनसक इसे काट लेता है। सिक विवो यहाँ पर समझ जाता है कि अब ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है, अनकरीब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला होता है। ये वो अपनी बेटी और सियोंग को सेव करने के लिए इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है सिक विवो ने ज़ॉम्बी बन जाना था तो जैसे ही वो फुल ज़ॉम्बी बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सिक विवो काफी इमोशनल हो जाता है और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसे उसने अपने हाथों में उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली बुजुर्ग पहुँच जाती है।
तब दो लोग स्वैन और स्वैंक वहां पर उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो इस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ सोल्जर्स थे और ये सब सोल्जर्स उस बॉर्डर्स को ज़ॉम्बी से डिफेंड कर रहे होते हैं और इन दोनों को देखकर वो समझ जाते हैं कि शायद ये दोनों कहीं ज़ॉम्बी हैं और बस वो इन दोनों को शूट ही करने वाले होते हैं कि तब उनको स्वैन के सॉन्ग की आवाज आती है जिससे वो समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी नहीं बल्कि रियल ह्यूमन सर्वाइव्स हैं। स्वैन वही सॉन्ग गा रही होती है जो वो हमेशा उसे अपने फादर के लिए गाना चाहती है, लेकिन आज वो अपने फादर की डेथ के बाद उनको याद करने के लिए गाना गा रही होती है। बस ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।